सिर्फ 1 बजी है। हम Hi guys, this is Ramya. Welcome back to my spooky channel. आज का वीडियो होने वाला है हॉरर वीडियो। 1 मिनट हिट होने के बाद हमारा ये पहला हॉरर वीडियो है, तो हमने सोचा सबसे खतरनाक, सबसे स्पूकी और सबसे डेंजरस रिचुअल उठाया जाए, जिसका नाम है ड्राई बोन्स रिचुअल। ओके गाइस, सो ड्राई बोन्स रिचुअल, जिसको नहीं पता मैं उसको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ। ड्राई बोन्स रिचुअल एक ऐसा रिचुअल है जिसके अंदर ड्राई बोन्स यूज होते हैं। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। एक मैं ही हूँ वो इंसान जो एक हॉरर रिचुअल करने से पहले जोक मारते जिससे मेरी थोड़ी बाद में कंफर्ट है। कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम गाइज, ये मैं कर रही हूँ, यू आर नॉट सपोज टू इट, बिकॉज मैं अडल्ट हूँ। आप में से अगर अडल्ट कोई नहीं है, आप प्लीज ट्राई मत करना, मेरे हिसाब से मत ही करो, अडल्ट तो भी मत करो। सो ड्राई बोन्स रिचुअल में बेसिकली एक बंदे को रिचुअल कम्प्लीट करना है, एंड इसमें आपको आपके बाथरूम में जाना होता है जहाँ पे ऑलरेडी मिरर होना चाहिए, बट अगर आप उस मिरर को यूज नहीं करना चाहते हो तो आप एक अलग सा मिरर भी ले सकते हो। देन आपको लेना है कैंडल और आपको लेना है एक मैचेस। मैचेस आपके पास होनी चाहिए, लाइटर वगैरह नहीं यूज करना, ओनली मैच यूज करनी है। इसके पीछे आपके जो रूल्स हैं वो ये हैं कि आपको आपके घर में कोई नहीं होना चाहिए आपके अलावा। पे मैं और चिन्नू हैं, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा काम चल रहा है जिसके वजह से घर वाले मासी के वहाँ रह रहे हैं, एंड रह रहे क्या, आज आज के लिए गए हुए हैं क्योंकि कल कंप्लीट हो जाएगा जो थोड़ा बहुत काम है। तो उसके बाद आपको करना है कि आपके घर में जितनी भी खुली चीज़ें, जैसे डोर हो गई, विंडो हो गई, क्लोजेट हो गई, कैबिनेट हो गई, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। देन आपको करना है कि आपको आपके बाथरूम में जाना है और आपका डोर पीछे से आपको बंद कर देना है, ठीक है, और आपको सारी लाइट्स भी घर में बंद रखनी है। अगर आपको कुछ भी अजीब से सुनाई नहीं देता तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको मांगनी है आपकी एक विश, जो कि ये इस रिचुअल का मेन एस्पेक्ट है। देन आपको मैचेस लेनी है और उसको 15 सेकंड जला के देखनी है। अगर मैचेस 15 सेकंड तक जल गई तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर उससे पहले बुझ गई तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, वहीं पे गेम खत्म कर देना है। फिर आपको बोलना है कि आई एम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस, आई वेलकम यू इन टू माई होम, कम नाउ। अगर आपको कोई भी ऐसी स्लो मून या फिर स्लाइट रैटलिंग की आवाज़ सुनाई, तो आपको भागना है, बिकॉज गेम चालू हो चुका है। आपको भागना है तेज और आपको कहीं ना कहीं जाके छुपना है। जो आ गया है ना आपको पकड़ने, डोंट लेट हिम कैच यू। आपको वो सुन भी ना पाए, देख भी ना पाए, पकड़ भी ना पाए। आपको छुपे रहना है 3 बजे तक। 3 बजे तक आपको कहीं ऐसी जगह छुपे रहना जहाँ पर आप पकड़े ना जा सको। एक बार आप 3 बजे तक बच गए तो आपको, और बाय द वे गाइस, मैंने बताया नहीं बट रिचुअल 12-1 पे चालू होता है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो आपको नेक्स्ट करना ये है कि आपको 3 बजे फिर आपको वापस अपने कमरे में आ जाना है और फिर आपको बोलना है, पीछे दरवाज़ा बंद करो तो बोल दो कि यू आर नो लॉन्गर वेलकम इन माई हाउस, प्लीज़ लीव राइट नाउ। ये बोल के आपको इस गेम को एंड करना है। आपको अगर ऐसा फील होता है कि स्टिल आपके पीछे कोई है तो आपको वापस से बोलना है, बट अगर ऐसा नहीं लगता है तो आप सो जाओ और गेम को वहीं ख़त्म कर दो। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, अब चालू करना है, एंड सबसे पहले मैं विश मांग लेती हूँ। मैंने सारी चीज़ें बाहर बंद कर दी है, मैंने दरवाजे बंद कर दिए, कैबिनेट बंद कर दिए हैं। ओके, अब मुझे मैचेस बर्न करके देखने की 15 सेकेंड जलती है कि नहीं। 12, 13, 14 अभी 15 पे बुझ जाती तो कितना क्रीपी होता ना, कितनी वियर्ड सी जल रही थी क्या तुम। आई एम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस, आई वेलकम यू इन टू माई होम, कम नाउ। गुड साइन, बाहर भाग लेते हैं। अब ढंग से सुनना है, क्या कोई आवाज आ रही है?
कुत्ते भौंक रहे हैं, दैट्स वन थिंग। शिट, वो क्लोजेट थोड़ा सा खुला हुआ क्यों है? मैंने बंद किया था ना, है ना? रिचुअल के हिसाब से आपको 5 मिनट एटलीस्ट रुकना पड़ेगा टू हियर द साउंड। तो देखो क्या क्या, हाँ ओ बेटा, नेक्स्ट स्टेप है गाइस कि भागना है। चल ओ गॉड, मैं डर गई। मैं नॉकिंग की आवाज आ रही है। नहीं दे रहा, इसमें छुपे हाँ मेरे हाथ में। बुझा रही हूँ मैं तो। क्योंकि हमें पता नहीं बाहर हमें बहुत वियर्ड सी वाइब आ रही थी, हमारे पीछे कोई नहीं पड़ा था, हमने कोई और साउंड भी नहीं सुनी, हमें बस नॉकिंग की साउंड आ रही थी जो कि पता नहीं क्यों हमारे घर के जस्ट बाहर से आ रही थी, हमारे दीवार के उधर से आ रही थी, पर हमें बहुत वियर्ड लगा तो मैंने सोचा कि शायद छुपना ही होगा, तो इसलिए हम बाय इनकेस हम दोनों आके अब छुप गए अंदर। एंड इधर हमें 3 बजे तक रुकना है, पर 3 बजे तक सेफली रहने के लिए 3 बजे तक हम यहाँ रुकने वाले हैं। सो या A few moments later. तो हम लोग को बेहद गर्मी लगी गाइज, और अभी टाइम देखा हमने, अभी सिर्फ और सिर्फ 1 बजी है। हम बस कहाँ से आ रही है, खिलौना बंद हो गया, बाहर जाके देखूं क्या, देखूं क्या, नहीं गाइस पता नहीं, हमको एनी हाउ 3 बजे तक रुकना ही है। अब ये कोई ट्रिक हो सकती है जिससे हम बाहर चल जाएं, बट आई एम नॉट गोना गो, लेट्स सी क्या है क्या नहीं है। 3 बजे तक रुकना, उसके बाद इस गेम को बंद करना। मुझे नहीं पता वो खिलौना क्यों बज रहा है, जैसे हमारा एक बड़ा सिली सा खिलौना वो खुद से कैसे बज रहा है मुझे नहीं पता। सो 3 बज चुके हैं, हमें निकलना है। सो पहले मैं जाती हूँ, फिर तू मेरे पीछे पीछे आई हूँ। सॉरी हमें गाइस, ये रहा नीचे वो खिलौना जो गिरा पड़ा हुआ है, आई थिंक यही आवाज है, इसी की आवाज थी ना, तो इसी की आवाज थी गाइस। अब आई डोंट नो ये क्यों गिरा पड़ा हुआ है। मैंने कुछ बोला नहीं, चीनू सिर्फ एक लात मारा। बेटा चल रूम में चल के फटाफट से एंड करते इसको, चल। अब खुद से क्यों कर रहा है। ओके गाइस, हम लोग आ गए और अब हमें इस चीज़ को एंड करना है। 3 बज चुकी है, 3:10 होने को वाली है और हमें इसको एंड करना है। इसमें कुछ बोलना था ना कि ओके सो यू आर नॉट वेलकम इन माई हाउस एनी मोर, प्लीज लीव राइट नाउ। नहीं वापस बोल देते हैं, यू आर नो लॉन्गर वेलकम इन माई हाउस, प्लीज लीव राइट नाउ। अब हमें बस सो जाना है क्योंकि हमने और कुछ नहीं करना है, हम दोनों सो जाएंगे एक साथ ही सोने वाले, क्योंकि कोई आइडिया नहीं क्या है क्या नहीं है। सो या लेट्स गो।